आज हम ऐसे दो कैरेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने अपने यूनिवर्स में बीस्ट हैं, मतलब उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता। और इनके जब तुम फील्ड्स देखोगे ना कि इन्होंने क्या क्या कारनामे कर रखे हैं, तुम्हारा दिमाग फट जाएगा कि भाई साहब क्या बला है दोनों लोग। सो जी हाँ, आज हम वर्सेस बैटल कराने वाले हैं अपने फेवरेट क्रेटोस एंड अपने ही फेवरेट राइडन के बीच में। और हाँ, वीडियो के एंड में मेरे को गालियां पढ़ने वाली हो तो उनके लिए तैयार हूं मैं। सो बिना किसी टाइम की बर्बादी के शुरू करते हैं ये वाला वीडियो। अब जब हम इन दोनों की वर्सेस बैटल करवा रहे हैं तो हम 6 पॉइंट्स पर बात करेंगे कि इन 6 पॉइंट्स में कौन किससे आगे है, और फिर हम इनकी पावर्स के हिसाब से देखेंगे कि कैसे ये एक दूसरे को मार सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होगा स्ट्रेंथ, दूसरा होगा स्पीड, तीसरा होगा एक्सपीरियंस, चौथा होगा ड्यूरेबिलिटी, पांचवा होगा वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स, एंड छठवां होगा किलिंग पॉलिसी। तो अब शुरुआत में सबसे पहले पॉइंट पे बात कर लेते हैं जो कि है स्ट्रेंथ। देखो अगर हम स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हैं तो क्रेटोस के बारे में तो बात करना ही बेकार है। मतलब इसने वो कारनामे किए हैं जिसे देख करके गेमर्स की फटके 64 हो गई, और क्रेटोस ने वो किए थे। तो सोच लो क्रेटोस कितना ही महाबली महसूस हो रहा होगा अपने आप में। अब जिन लोगों को नहीं पता है ना कि इसने, वैसे सबको पता है, लेकिन इसने जो है अपने से बहुत बड़े मॉन्स्टर जिसके ये नाखून बराबर नहीं है ना, उसके हाथों के बीच में कई बार मसले जाने से इतने ताकत से बचा है ये बिल्कुल आराम से। इसने जो टीयर का टेंपल था ना गॉड ऑफ वॉर 4 में, टीयर का जो टेंपल था बहुत बड़े पहाड़ जैसा था, इसने उसे यूं ही पलट दिया जैसे कुछ है ही नहीं इसके आगे। बहुत बड़े ब्रिज को खिसका भी ले गया था, और ना जाने क्या क्या हरक्यूलिस गॉड ऑफ स्ट्रेंथ को इसने मार के रख दिया, और उसका चेहरा क्या बंगाड़ा था भाई साहब, क्या ही बताऊं तुम लोगों के लिए। तो यहाँ पर क्रेटोस के बारे में ना, अगर तुम उसकी ताकत के बारे में बात करोगे तो अलग से एक आधे घंटे की वीडियो बन जाएगी। सो उसके जो बहुत बड़े फीट्स थे वो मैंने बता दिए, अभी उसके फीट्स यहाँ ख़त्म नहीं होते हैं। लेकिन अभी हम राइडन के पास चलते हैं कि राइडन के पास क्या है हमें दिखाने के लिए, और राइडन के पास भी बहुत कुछ है। अब तुम्हें अगर इसकी ताकत का नमूना दिखाऊं ना, तो इसने मेटल गियर 4 गेम में एक ह्यूज सबमरीन को, जायंट सबमरीन को केवल अपने एक हाथ से रोक दिया था, वो भी घायल होने के बावजूद। हाँ, उसका एक हाथ कटा हुआ था, वो बुरे तरीके से घायल था, अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं था, लेकिन फिर भी इसने एक हाथ से इतनी बड़ी सबमरीन को रोक डाला। इसके बाद अगर हम देखें तो इसने जो है मेटल गियर राइजिंग रिवेंजेंस गेम में एक बहुत बड़े मेटल अरे को, जो कि हजारों टन का होगा उसी सबमरीन की तरह, इसने उसे फिरा करके ऐसे फेंक दिया जैसे वो कुछ है ही नहीं, लिटरली मतलब उसे फेंक भी दिया, हवा में जाकर उसको काट भी दिया और नीचे भी आ गया। इसके अलावा फिर इसने गेम के एंड में एक और मेटल गियर अरे से फाइट की थी, जहां पर इसने वो हजारों किलो की तलवार से लड़ रही थी वो मेटल गियर अरे जो थी, और इसने उसकी तलवार को उखाड़ लिया, उस हजारों टन की जो तलवार थी उससे स्वॉर्ड फाइट की है, और फिर उसी को इतने जोर से दे मारा है उसी मशीन पे। और तुम लोगों को बता दूं, ये फाइट होने से पहले इसने उस मशीन को उठा करके धोबी पटक और दी हुई है। और जब इसने सबमरीन को रोका था ना उस जगह, तुम लोगों के लिए बता दूं, घायल तो था ही, उसकी जो साइबरनेटिक बॉडी थी वो भी पुरानी थी, और मेटल गियर राइजिंग गेम में आते आते उसको नई साइबरनेटिक बॉडी मिल गई थी जो पहले से कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर थी। तो इसका मतलब अभी हमें इसकी ताकत का नमूना देखने को ही नहीं मिला है ठीक से। इसने जो मेटल गियर आरे को इधर से उधर पटक दिया ना, तब भी इसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता ही नहीं किया था भाई साहब, क्योंकि इतने आराम से पटक रहा है, मतलब इतना वजन उठाने में किसी की बोन फट जाए, और ये मजाक में पटक रहा है। ठीक है, स्ट्रेंथ में हम इन दोनों में से किसी को भी ये नहीं कह सकते कि तू इतना ताकतवर है या तू इतना कमजोर है, लेकिन फिर भी अगर मैं जो है थोड़ा सा पीक पॉइंट अगर देना चाहूँगा तो मैं देना चाहूँगा क्रेटोस को, क्योंकि देखो मेटल गियर अरे बहुत ताकतवर है, लेकिन क्रेटोस ने जिस तरीके से उस ब्रिज को खिसकाया था, तो कहीं ना कहीं जो है मुझे एज क्रेटोस को देना होगा। सो हाँ, यहाँ पर मैं क्रेटोस को स्लाइटली विनर बताऊंगा, लेकिन राइडन कम नहीं है भाई साहब, मजाक नहीं है। अब बात आती है यहाँ पर स्पीड की। तो अगर स्पीड के बारे में बात करें तो क्रेटोस के बारे में हमको मालूम है कि वो बहुत ज़्यादा तेज नहीं है। अब कुछ लोग यहाँ पर बोलेंगे कि उसने जो है हर्मीज को मारा हुआ है, तो तुम लोगों के लिए बता दूँ, उसने हर्मीज को पकड़ा नहीं था। जब हर्मीज एक जगह रुक गया था तब उसने एक बहुत जायंट वाला जो पत्थर का टुकड़ा था वो उस पर दे के मारा था, जिससे कि वो घायल हो गया था, उसके बाद क्रेटोस ने हर्मीज को मारा था।
हाँ, उसने भाग करके वो कभी भी हर्मीस को नहीं पकड़ पाया था जब तक उसने वो बड़ा सा पत्थर हर्मीस में दे नहीं मारा था। लेकिन यहाँ पर अगर तुम राइडन की बात करोगे तो भाई साहब, इसने चार दिशाओं से, अलग अलग दिशाओं से गोलियाँ चल रही थी। इसने उन सभी गोलियों को डिफ्लेक्ट कर दिया अपनी तलवार से। इसी से तुम्हें इसकी जो रफ्तार है उसका पता लग जाएगा। और तुम लोगों के लिए एक बात बताऊँ, ये इतना तेज है कि कभी कभार इसको टाइम बिल्कुल रुका हुआ सा महसूस होता है। लिटरली तुम इसके सामने अगर मूव कर रहे हो ना ऐसे लोगे, और ये उस जो मूवमेंट होगा ना, उस मूवमेंट में इतने टुकड़े करता है भाई साहब, गिनना भारी पड़ जाता है। लिटरली 1,500-2,000 टुकड़े तो मामूली सी बात है। इससे ऊपर ही बात करेगा, इससे नीचे बात करेगा नहीं। वैसे इसने बुलेट ट्रेन को भाग के पकड़ा हुआ है, जो कि नॉर्मल सी बात है। अगर गोलियां डिफ्लेक्ट कर रहा है तो बुलेट ट्रेन को तो खैर भाग के पकड़ ही सकता है, कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। तो स्पीड में ऑब्वियसली क्रेटोस आसपास भी नहीं है राइडन के, कतई भी नहीं है। थर्ड पॉइंट पे हम बात करेंगे एक्सपीरियंस की। तो एक्सपीरियंस के बारे में अगर हम बात करें तो तुम लोग समझ गए होंगे कि अभी एक्सपीरियंस किसका ज़्यादा है। जी हाँ, क्रेटोस का, क्योंकि राइडन ने जो है बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, ये पक्की बात है। लेकिन उसकी एज है इस टाइम पर 35। जब मेटल गियर राइजिंग रिवेंजेंस गेम में उसे दिखाया गया था, उसकी एज थी केवल 35 ईयर्स। और 35 ईयर्स में वो बचपन में, मतलब 12-13 साल की उम्र से ट्रेनिंग ले रहा था, तभी से लोगों को मार रहा था। तो शुरुआती 10-12 ईयर तो हटा ही, तो लगभग 25-1 साल का एक्सपीरियंस होगा उसे लगभग। लेकिन ऑन द अदर एंड अगर हम क्रेटोस को देखें तो उसने पूरे ग्रीक के जो गॉड्स हैं उनको मार रखा है, और उस टाइम पे भी उसकी एज काफ़ी थी। और वो बचपन से ही राइडन की तरह ही बहुत खतरनाक ट्रेनिंग ले रहा है। उसकी एज भी अब पता नहीं, ना जाने कितनी ही होगी, क्योंकि हमें जो है टाइम गैप नहीं दिखाया गया है। लेकिन भगवान, क्योंकि बूढ़े नहीं होते, तो क्रेटोस की एज का पता लगाना बहुत मुश्किल है। सो एक्सपीरियंस जो है ऑब्वियसली क्रेटोस का राइडन से ज़्यादा है, बैटल एक्सपीरियंस। अब ड्यूरेबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी भाई साहब मामला बहुत कर रहा है। लिटरली जहाँ पर राइडन ने ये वाला पंच सहन किया था, देख रहे हो पूरी मशीन और आसपास के जो भी पुर्जे थे वो टूट करके पिघल करके सेट हो चुके हैं जमीन में, और राइडन के शरीर पे खरोंच तक नहीं है। हालांकि उसे कमजोरी महसूस हुई थी इस गुस्से के बाद, लेकिन फिर भी उसके बॉडी पर अगर तुम देखोगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है, कुछ नहीं हुआ है उसे। और उसके बाद तो वो खड़ा होकर के बहुत गंदे तरीके से लड़ा भी था। वो बात अलग है कि पिटा भी था, बट लड़ा भी बहुत खतरनाक तरीके से था उसके बाद। और जैसा कि मैंने बताया, इसने घायल होने के बावजूद, पूरा हाथ कटने के बावजूद इसने सबमरीन को रोक दिया था, और काफ़ी ही खतरनाक। इसके ऊपर तलवारों का, गोलियों का कोई खास फर्क नहीं होता। इसके ऊपर तलवार चलाओ, गोली चलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बजाय सर के, क्योंकि सर इसका जो है ऑर्गेनिक है, उधर गोली चलाओगे तो गड़बड़ हो सकती है। लेकिन वो बात अलग है कि मरना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसकी जो मेमोरी है वो ना केवल इसके दिमाग में स्टोर रहती है, बल्कि इसका जो लेफ्ट या राइट हैंड है, शायद हाँ, इसका एक हाथ है, उसमें भी इसकी मेमोरी जो है स्टोर रहती है। तो दिमाग में गोली लगने से हाँ ये मालूम है कि ये लेट जाएगा, पड़ा रह जाएगा, क्रिटिकल सिचुएशन में चला जाएगा, लेकिन ये पक्का नहीं है कि मर जाएगा। बहुत बेसरा मैं लेटर थी। अब यहाँ पर अगर हम क्रेटोस की बात करें तो क्रेटोस के तो क्या ही कहने। इसने ओलंपस ब्लेड का ये वाला जो सीन देखो एक बार तुम, इसने ओलंपस ब्लेड का, ब्लेड ऑफ ओलंपस जो था ना, उसकी एक स्ट्राइक सहन की है, जो कि इसने अपने ऊपर खुद ही की थी। और जरा इसका घाव देखो, इसने इस घाव को सर्वाइव किया हुआ है लिटरली। और इसके भी अलावा इसने बोल्डर से कितनी मार खाई थी, ज्यूस से कितनी मार खाई थी, और क्रोनोस वगैरह ना जाने क्या क्या, लेकिन इस बंदे को भाई साहब फर्क ही नहीं पड़ता। इसने थोर के हथौड़े को झेला है, तो पता ही नहीं ना जाने क्या क्या कर सकता है, और इसकी ड्यूरेबिलिटी का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी के मामले में बहुत ही कड़ा मुकाबला है, और इधर हम किसी को भी विनर नहीं रख सकते, हम दोनों को भी बराबर रखेंगे। क्योंकि जहाँ क्रेटोस घायल हो जाता है लेकिन गॉड की पावर्स की वजह से हील भी हो जाता है, और इधर दूसरी तरफ हमने राइडन को घायल होते ही नहीं देखा। वो बात अलग है, उसके 2 बार जो है हाथ काट लिए गए हैं, लेकिन वो हाथों को काटना भी बहुत मुश्किल था, और हैंड टू हैंड फाइट में तो उसको खैर तोड़ा जा ही नहीं सका। लेकिन फिर भी अगर मैं एज दूंगा तो क्रेटोस को थोड़ा सा दे दूंगा। अब अगर हम अगले पॉइंट पे आए तो आएगा वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स। अब देखो, तुम लोगों के लिए बता दूं कि क्रेटोस जो है जिस भी दुश्मन को मारता है उसके वेपन्स को अपने पास रख लेता है। वो क्रेटोस सभी तरीके के भाले, तलवार, कुल्हाड़ी सब को चलाने में एक्सपर्ट है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा वेपन है,
उसमें जो हाथ में आ जाए ना उसे से मार देता है भाई साहब। अगर वेपन हाथ में ना हो तो किसी से भी मार देता है लिटरली, कभी पहाड़ में घुसा के मार देगा, कभी चेन से खींच के मार देगा, मतलब इसके हाथ में फ्रेंकली जो लग जाए उस चीज से मार देगा। लेकिन अगर इसके वेपन्स की बात करें तो फिलहाल तो इसके पास गॉड ऑफ वॉर 4 गेम में जब हमने देखा था सो लेवाइथियन एक्स और ब्लेड ऑफ क्योस के अलावा कोई और वेपन इसके पास था नहीं, लेकिन इसने जो है बहुत से वेपन्स को चला रखा है। सो ये जो क्रेटोस है ना अभी फिलहाल के लिए 2 वेपन से ज़्यादा कैरी नहीं करता, लेकिन वो 2 वेपन्स बहुत डिस्ट्रक्टिव हैं ये बात मत भूलो, और इक्विपमेंट्स में ये बहुत सी चीज़ें लेकर के चलता है। लेकिन अभी क्योंकि जब ये ग्रीक माइथोलॉजी से नॉर्स माइथोलॉजी में आया है तो इसके पास अभी उतने ज़्यादा इक्विपमेंट्स भी नहीं बचे हैं। सो यहाँ पर जो क्रेटोस है थोड़ा सा डाउनग्रेड हो गया है क्योंकि इसने जो है अपने पुराने रिसोर्सेज जो थे वो खो दिए हैं। बाकी ग्रीक माइथोलॉजी में तो इसके पास बहुत कुछ था, लेकिन उसके बारे में हम बात फिलहाल नहीं करते हैं। और इधर अगर तुम ट्राइडन के बारे में बात करोगे ना तो भाई साहब इसकी बॉडी है साइबरनेटिक, ये किसी भी वेपन में मतलब बहुत आसानी से ढल जाता है। इसने गन्स को हर तरीके की गन्स को चलाना इसे आता है, हर तरीके की तलवार, हर तरीके की चाकू, हर तरीके का मतलब कोई भी वेपन इसे दे दो तुम फ्रेंकली ये सबसे मारेगा, और रॉकेट लॉन्चर वगैरह सब यूज़ करता है, कोई दिक्कत नहीं है इसको। और इसकी भी एक बहुत अच्छी आदत है कि ये जिस भी दुश्मन को मारता है उसके हथियार अपने पास रख लेता है। हाँ हमने देखा था कि सनडाउनर का वेपन इसके पास है, और वो जो लड़की थी ना इसका नाम क्या था, मिस्ट्राइल, हाँ उसका भी वेपन इसके पास है। तो ये जिसको भी मारता है उसके वेपन्स को अपने पास रख लेता है, वो बहुत आसानी से यूज़ कर लेता है। सो अभी मेटल गियर राइजिंग रिवेंजर्स गेम में जब हमने देखा था तो इसके पास उन सभी के वेपन्स थे, तो यहाँ पर राइडन जो है थोड़ा सा ऊपर निकल जाता है। एंड फाइनल पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो वो होगा किलिंग पॉलिसी। अब देखो स्पाइडरमैन या बैटमैन की तरह इन दोनों की ये बकचोदी नहीं है कि चाहे कोई कितना भी पाप कर ले उसे मारो मत, बस जेल में डाल दो। इनका भाई साहब ऐसा कोई सीन नहीं है, हमसे बकचोदी करेगा तो गुंड फाड़ दी जाएगी भूतनी के, इनका ये वाला एटीट्यूड है दोनों का ही। जहाँ क्रेटोस से तुम बकचोदी करने की कोशिश करोगे वो लिटरली फाड़ देगा, और मैं मेटाफोरिकली नहीं बोल रहा हूँ, वो लिटरली फाड़ देगा, दोनों पैरों को पकड़ेगा और खींच के फाड़ देगा, उसमें इतनी ताकत आराम से है। और इधर राइडन से भी अगर तुम पंगा लोगे तो वो भी ऐसा सोचता नहीं है, क्योंकि लिटरली गेम में हमने ना जाने कितनी ही जगह देखा है कि इसने आम सोल्जर्स जो होते हैं ना बिल्कुल आम मतलब चिल्लर वाले जो एनिमीज होते हैं ख़त्म बिल्कुल, उनके भी भाई साहब 150-200 टुकड़े करके फेंका है इसने। तो भाई साहब कितना ही हराम ही हो सकता है इसका दिमाग ख़राब होने पर ही, तो इसी चीज़ से अंदाजा लगा लो, मतलब बकचोदी नहीं चाहिए ज़िंदगी में, चाहे जो करो बकचोदी मत करो, वरना फिर ये जो करेंगे फिर तो यही करेंगे, तुम कुछ कर भी नहीं सकते। सो अभी जो है कंक्लूजन क्या निकलता है इधर इनके पावर्स एबिलिटीज वगैरह सब चीज़ों को देखते हुए, तो यहाँ पर भाई साहब देखो 2 सिचुएशन बनते हैं, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन हमें बनानी पड़ेंगी, राजी राजी नहीं गैर राजी। वो क्यों? क्योंकि राइडन की वजह से, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसा है जो क्रेटोस की लंका लगा सकता है, वो है उसकी तलवार जो कि ना केवल काटती है, जिस जगह से उस तलवार का अटैक होता है ना उस जगह के एटम्स और एलिमेंट्स को वो बिल्कुल तबाह कर देती है, उन्हें एनर्जी में बदल देती है। ये तलवार उन्हें काटती नहीं है, बस उस जगह को तबाह कर देती है बिल्कुल बहुत पतली सी लाइन में। इस वजह से इस तलवार से बचना नामुमकिन है, ये किसी भी चीज़ पे अगर तुम इसे चलाओगे चाहे लोहा हो, पत्थर हो, स्टील हो, चाहे कुछ भी हो, ये उसे काट के मारे, क्योंकि उस जगह के जो एटम्स हैं उनको ही तबाह कर देती है। प्लस राइडन की स्पीड, मतलब क्रेटोस पलक झपकाएगा ना इतनी देर में तो क्रेटोस के टुकड़े कर चुका होगा, लेकिन बुरा मानने की जरूरत नहीं है। क्रेटोस के बारे में अगर हम बात करें, अगर क्रेटोस राइडन को थोड़ी देर के लिए थाम लेता है जो कि बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, अगर राइडन अपना वो स्पीड मोड जो जैक द रिपर मोड है ना जिसमें वो टाइम को ऑलमोस्ट रुका सा कर देता है, वो अगर यूज़ नहीं कर पाता राइडन समहाउ क्रेटोस उसे रोक देता है, तो तुम लोगों के लिए बता दूँ फिर क्रेटोस को रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और राइडन का सर इंसानी है, और क्रेटोस उसे एक घूंसे में ना उसके तरबूज की तरह परखच्चे उड़ा सकता है, लिटरली उसका दिमाग के भी टुकड़े हो जाएंगे, इतना जोर से घूंसा मार सकता है क्रेटोस। सो राइडन का उस जगह बचना मुश्किल हो जाएगा। अगर राइडन जो है नॉर्मली हैंड टू हैंड फाइट में उतरता है तो ऑब्वियसली राइडन मरेगा, चाहे वो कितना भी फास्ट क्यों ना घूंसे मारे क्रेटोस के ऊपर, लेकिन घूंसों से क्रेटोस का कुछ होगा नहीं इसलिए वो मार देगा। लेकिन अगर राइडन के पास उसकी वो खास तलवार है, प्लस उसके पास वो जैक द रिपर मोड एक्टिवेट करने लायक उसके शरीर में फ्यूल है,
तो वो ऑब्वियसली क्रेटोस को मार देगा, क्योंकि क्रेटोस जिससे पहले हिल तक पाएगा ना, उससे पहले वो उसके टुकड़े कर चुका होगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा और अगले पल वो जमीन पे बिखरा हुआ पड़ा होगा। सो हाँ, दो सिचुएशन बनती है, राइडन अगर अपनी खतरनाक वाली स्पीड और खतरनाक वाली तलवार का इस्तेमाल करता है तो वो क्रेटोस को मार सकता है, क्योंकि क्रेटोस मौका ही नहीं मिलेगा क्रेटोस को लड़ने का। लेकिन अगर क्रेटोस को लड़ने का मौका मिलता है, चाहे फिर राइडन के पास तलवार हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर क्रेटोस को लड़ने का मौका मिलता है, जो क्रेटोस है वो समहाउ राइडन को जो है वो स्पीड मोड एक्टिवेट करने से रोक लेता है, फिर तो ऐसा राइडन को भगवान ही बचाए, नहीं बचा सकते क्योंकि क्रेटोस खुद एक भगवान है उससे कौन ही बचाएगा, और बचाएगा भी कौन यार, ज्यूस आएगा बचाने, उसे क्रेटोस पहले मार चुका है, हरक्यूलिस आएगा उसे पहले मार चुका है, और कौन है, और गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक में जहां तक मुझे लग रहा है थॉर वगैरह भी मार ही जाएंगे इसके हाथों तो वो भी नहीं बचा सकते भाई साहब, तो कोई नहीं बचा सकता फिर तो भाई साहब, अगर राइडन के पास स्पीड मोड नहीं है फिर तो राइडन गया काम से। सो ये था स्टोरी का कंक्लूजन, दोनों ही एक दूसरे को मार सकते हैं और दोनों के पास ही बहुत खतरनाक एबिलिटीज हैं। आप ये मत बोलना क्रेटोस भगवान है वो मरेगा नहीं, वो बात बेशक अलग है, नर्क में से दो दो बार लौट के आ चुका है, कंफर्ट मरने के बाद भी लौट के आता है, लेकिन हाँ अगर क्रेटोस राइडन के सामने पड़ा फुल पावर पे तो राइडन मार देगा। अब चाहे क्रेटोस वापस नर्क में से दोबारा आकर के राइडन को मार दे, वो बात एक अलग है। सो ये था इस वीडियो में, अब फाइनली तुम लोगों को पता लग चुका होगा, मुझे मालूम है कि गॉड ऑफ वॉर फैंस इधर भड़कने वाले हैं, इधर मेटल गियर फैंस भी भड़कने वाले हैं, लेकिन वैसा देखो मैंने दोनों सिचुएशन एक्सप्लेन कर दी है कि किस सिचुएशन में क्या हो सकता है, तो तुम भी थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना कि मैंने क्या बोला है, वो दिमाग लगाने के बाद ही कमेंट सेक्शन में जा करके कुछ अपने फूल बरसाना मुंह से, अदरवाइज मैं ब्लॉक भी कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। ठीक है, बकचोदी बंद करते हैं, ये वाला वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, किसी भी कैरेक्टर को कोई हेट नहीं है, किसी यूनिवर्स को कोई हेट नहीं है, दोनों ही यूनिवर्स मेरे मोस्ट फेवरेट यूनिवर्स में से एक हैं। सो हाँ, ये वाली वीडियो जो है यहीं खत्म करेंगे बिना कोई हेट फैलाए, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने लोगों का ख्याल रखना, मेरी तरफ टाटा।